आज हम बात करेंगे पोजीशन इन फैक्ट एंड पोजीशन इन लॉ के बारे में। पोजीशन इन फैक्ट को हम डी फैक्टो भी बोलते हैं और पोजीशन इन लॉ को हम डी जूरी भी बोलते हैं। पोजीशन इन फैक्ट मीन्स एक्चुअल कंट्रोल ओवर अ थिंग। एक्चुअल कंट्रोल इज ए रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग। पोजीशन इन फैक्ट का मतलब है कि किसी चीज के ऊपर किसी इंसान का एक्चुअल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आप लोग अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, आपने फोन को छू रखा होगा या फिर लैपटॉप होगा वो आपके हाथों में होगा, तो ये होता है एक्चुअल कंट्रोल, किसी चीज को आपके हाथों में होना या फिर जो चीज आपके कब्जे में हो वो, ठीक है ना। एक्चुअल कंट्रोल वुड बी रिजल्ट ऑफ द रिलेशन ऑफ अ पोजीशन टू द अदर पर्सन, द रिलेशन ऑफ द पर्सन टू द थिंग। या तो थिंग का पर्सन के साथ या फिर पर्सन का थिंग के साथ जो रिलेशन है उसको हम एक्चुअल कंट्रोल कहेंगे। आपके हाथों में फोन है, ये होगा हमारा पोजीशन इन फैक्ट डी फैक्टो। या फिर आपके जेब में फोन है, ये भी एक एग्जाम्पल होगा डी फैक्टो का, ठीक है ना। पोजीशन इन फैक्ट द फिजिकल कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस। जेब में रखा है वो आपका पोजीशन फैक्टर है। फिजिकल कंट्रोल मतलब जैसे आप घर में रह रहे हो कहीं, तो आपको वहां पे फिजिकल कंट्रोल है, इसको हम पोजीशन फैक्टर बोलेंगे। पोजीशन इन लॉ, पोजीशन इन लॉ का मतलब होता है आपको फिजिकल कंट्रोल तो नहीं है उस चीज के ऊपर, बट लॉ की नजर में आप वो चीज आपकी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कहीं प्रॉपर्टी है, जमीन है, खेत वगैरह है, वहां पे आप कुछ नहीं कर रहे, ऐसी रखी हुई है वो, आपका फिजिकल कंट्रोल नहीं है फिलहाल उधर, बट लॉ की नजर में पेपर्स की फॉर्म में वो आपके नाम जुड़ी हुई है जमीन, तो वो आपकी ही जमीन है, तो इनको कहते हैं पोजीशन इन लॉ, ठीक है ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोजीशन इन फैक्ट एंड लॉ। तीन तरीके के पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ होता है। पहला होता है जिसमें फैक्ट भी होता है लॉ भी होता है, परफेक्ट पोजीशन, मतलब कि आप किसी घर में रह रहे हो और लॉ की नजर वो आपका खुद का ही घर है, लॉ की नजर में वो रजिस्टर आपके नाम पे है घर, तो ये होगा परफेक्ट पोजीशन, रह भी रहे हो पोजीशन है और लॉ की नजर में भी वो आपका है। दूसरा है सेकंड टाइप ऑफ पोजीशन इज नॉट कॉल्ड पोजीशन इन एक्चुअल। इसका मतलब ये है कि आपका उस चीज के ऊपर पोजीशन इन फैक्ट तो है बट पोजीशन इन लॉ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ए है, उसने बी का फोन ले लिया है और बी को बताया नहीं है, ए का जो उस फोन के ऊपर पोजीशन है वो फैक्ट में है, वो उसके कब्जे में है, बट लॉ की नजर में देखा जाए बी ने परचेज किया है, उसके जो रियल पेपर्स होंगे जहाँ फोन परचेज करेंगे, बिलिंग वगैरह में बी का नाम होगा, तो लॉ की नजर में वो बी का है, बट फैक्ट इस टाइम पोजीशन फैक्ट वो एक ही हाथों में, ठीक है ना। ये होता है पोजीशन इज नॉट कॉल्ड पोजीशन इन एक्चुअल, इसे कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट पोजीशन जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होता है, वो उसमें पोजीशन इन लॉ तो होता है बट पोजीशन इन फैक्ट नहीं होता। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आपकी कहीं कोई जमीन है, वहां पे आप रह नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, वो ऐसी पड़ी हुई है, बट वो लॉ के पेपर में कानूनी हिसाब से देखिए तो जमीन आपके नाम है, तो इसे कहेंगे हम कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। तो ये था पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ।